हेलो दोस्तों, माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सभी दोस्तों को आज के जूम मीटिंग में मैं स्वागत करता हूं। मैं धीरज कुमार सिंह झारखंड के बहुत ही खूबसूरत शहर जमशेदपुर से बोल रहा हूं और आज सभी को शुक्रवार की सुबह एक शानदार सेशन में मैं सबका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, आज शुक्रवार का दिन है, बहुत ही खास दिन है। आज हम एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल के ऊपर। तो साथियों, मैं देख पा रहा हूँ हमारे संग ऑल ओवर इंडिया से बहुत ही तेजी से हमारे संग लोग जुड़ रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ बिहार से, यूपी से, झारखंड से, हमारे नागालैंड से, कई छत्तीसगढ़ से, हमारे ऑल ओवर इंडिया से लोग बहुत ही तेजी के साथ हमारे संग आज के जूम के सेशन में जुड़ रहे हैं सुबह सुबह। तो साथियों, आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने आज के जूम मीटिंग के लिए किसी को इनवाइट किया है, किसी भी अपने गेस्ट को इनवाइट किया है या अपने टीम के डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह को इनवाइट किया है, तो आप एक बार को फिर कर लीजिए कि आज का सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। एक बार रिकॉल करके देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि वो आज की मीटिंग में जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। हमारे पास एक मिनट से दो मिनट का समय है, एक से दो मिनट का समय है, तो एक बार आप उनको कॉल कर लीजिए, चेक कर लीजिए, देख लीजिए। शुक्रवार के दिन साथियों, हमारे प्रोडक्ट के अद्भुत रिजल्ट है। आज हमारे कई साथियों के जुबानी हम सुनते हैं कि उनको कितना तकलीफ था, कितनी दुख थी, कितनी तकलीफ थी, कितने बीमारी से वो ग्रसित थे, परेशान थे, लेकिन हमारे प्रोडक्ट ने जबरदस्त रिजल्ट दिए, उनकी जिंदगी के अंदर खुशियां लाई। हमारे आयुर्वेदा के प्रोडक्ट से लाखों, हजारों लाखों लोगों को बहुत फायदा पहुंचा, उनकी दुखें दूर हुई, उनके तकलीफें दूर हुई। आज उन्हीं की जुबानी हम यहाँ सुनते हैं। साथियों, हमारा जो ये आयुर्वेद का प्रोडक्ट है ना, ये बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है, शानदार प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट के अद्भुत रिजल्ट है। तो हम आयुर्वेदक सेवक बन के आज घर घर तक, गांव गांव तक अपने प्रोडक्ट को लेके जा रहे हैं, लोगों के तकलीफों को दूर कर रहे हैं, उनके घर में खुशियां ला रहे हैं, खुशियां के साथ साथ उन्हें बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, रोजगार करने का अवसर भी दे रहे हैं, मौका भी दे रहे हैं। तो साथियों, मैं बिना देर किए आज के मुख्य अतिथि हमारे और कोई नहीं, आदरणीय एमडी सर को इस मंच पे मैं अब आमंत्रित करने जा रहा हूं। हम लोग का सौभाग्य है साथियों कि एमडी सर, हमारे आदरणीय एमडी सर हम लोगों के साथ रोज जूम मीटिंग में जुड़ते हैं, हम लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं और हम लोग प्रतिदिन इस मीटिंग के माध्यम से सीख रहे हैं। और जब से ये जूम का हमारा सेशन चालू हुआ है, तब से बहुत ही तेजी से हर लीडर का बिजनेस बढ़ रहा है, बहुत तेजी से हम ग्रो कर रहे हैं इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि हमारे संग हमारे आदरणीय एमडी सर प्रतिदिन इस मीटिंग में आते हैं, जुड़ते हैं, हमें सिखाते हैं, हमें आगे बढ़ने का मौका देते हैं। तो दोस्तों, जो सीखेगा वही जीतेगा। तो साथियों, आज अब बिना देर किए इस मंच पे मैं अब आदरणीय एमडी सर को, हमारे मुख्य अतिथि को अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं, जो हम सबके दिलों पे राज करते हैं। एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ हमारे आदरणीय एमडी सर का स्वागत किया जाए। एक बार बिग क्लैप के साथ हम वेलकम करना चाहेंगे हमारे आदरणीय एमडी सर का। सर, स्वागत है आज के जूम मीटिंग। थैंक यू वेरी मच धीरज जी, मायरी साजा मॉर्निंग ऑल इंडिया से सारे साथी ज्वाइन किए हैं और बहुत जबरदस्त सेशन, जैसा कि धीरज जी ने बताया, सेशन तो हर दिन का ही बहुत जबरदस्त होता है, कल सुबह भी बहुत जबरदस्त रहा, लेकिन इसकी कुछ खासियत है, तो इसीलिए धीरज जी ने बोला कि ये कुछ खास है, हटके है कुछ। तो क्योंकि प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल हम बार बार बोलते हैं कि एक बार आप प्रोडक्ट चलाओ, दूसरी बार प्रोडक्ट खुद चलेगा, बिना पैर के ये चलेगा। तो पहली बात है कि हम उस प्रोडक्ट को चलाएं। लास्ट बार जब हमने टेस्टिमोनियल लिया था, तो हमने बात किया था कि सिर्फ हेल्थ प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी है, हमारे यहाँ पे कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट भी हैं, हमारे यहाँ पे ओरल केयर के प्रोडक्ट भी हैं। सभी प्रोडक्ट का जो आपको बेनिफिट हुआ या आपके प्रोडक्ट का जो दीवाना हो गया कोई, उस सारी चीज को हम लोग इस प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल में रख सकते हैं, उस चीज को बता सकते हैं।
लेकिन उसको बताने के लिए जो है उसकी एक तहजीब है, उसका एक तरीका है, उसकी एक लिहाज है। वो चीज क्या है? सबसे पहले वाइड मोबाइल, सबसे पहले हमें मोबाइल को जो है वाइड रखना है। दूसरा चीज ये है कि अपने ड्रेस कोड का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि आप अपने घर में बैठे हैं लेकिन आपको देश भर देख रहा है, और उसके बाद में ये सोशल मीडिया पर ये वीडियो जाता है, ये यूट्यूब पे तो जाता ही जाता है, इसके अलावा इसके कट्स जो है वो आपके लिंक्डइन पे जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, इंस्टाग्राम पे जाते हैं, तो वहां पे आपको देखते हैं। तो आपका ड्रेस कोड, तीसरा है आपका बैकग्राउंड कैसा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसा बैकग्राउंड है, मतलब ये आपकी सोच को रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी सोच कैसी है, हम किस रूप में अपने आप को फ्यूचर में देखना चाहते हैं। क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड जो है, जो आप भगवान से मांगेंगे वही आपको देगा। तो कैसा आप, आपका बैकग्राउंड कैसा है, कैसा आप आपका घर देखना चाहते हो, कैसे किस रूप में आप रहना चाहते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन चीजों को हमको ध्यान में रखना है, और नॉइजी जगह पे ना बैठे, हम ऐसी जगह पे बैठे क्योंकि आपकी बात को कोई सुन रहा है, बीच में पैं पां पैं पैं चल रही है तो फिर अच्छा नहीं लगता, आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो जो एक आपका, आप कल क्या बनेंगे, एक पौधे का जो है ना आज वर्तमान बता देता है कि ये कैसा पेड़ बनने वाला है। तो हम कैसा पेड़ बनने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में बोला जाता है कि दुनिया की आधी आबादी का जो पूरा पैसा है वो सिर्फ 20 ही लोगों के पास है। तो वो 20 लोग ऐसा क्या खास काम करते हैं कि पूरी, मतलब दुनिया की टोटल आबादी उसमें से सिर्फ 20 लोगों के पास आधी आबादी का पैसा है। तो वो कुछ हटके कुछ करते हैं, तो वही चीज हमको अपनी जिंदगी में करना। हो सकता टॉप 20 में ना आए, टॉप 100 में आ जाएंगे, टॉप 50 में आ जाएंगे, लेकिन हमको अपनी जो है चीजें चेंज करनी है। बहुत शानदार सेशन होता है ये प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल का, और मैं एक चीज और नोट कर रहा हूँ, बहुत जबरदस्त रूप में इसको, इसमें सुधार हुआ है, और वो है कि हमारी हैबिट्स में जो है ना वो बदलाव हो रहे हैं। इसमें जूम में मैंने क्या बदलाव देखा है, आप सबका देखा है, और लोग जो है वो टाइम पे आने लगे हैं। बहुत सारे लोग जिनका सपना है, जिनका ड्रीम है, जिनकी थर्ड आई ओपन हो गई, जिनके ड्रीम जिन्होंने अपनी डायरी में लिख लिए, जिन्होंने अपनी दीवार पे लगा दिए, वो लोग जो है ना टाइम पे आने लग गए, ड्रेस कोड में आने लग गए, एकदम व्यवस्थित हो गए, डिसिप्लिन हो गए। यही जो है हमको उस आधी आबादी से जो है हमको ले जाएंगे, टॉप जो 20 लोग हैं उनकी उनकी तरफ लेके जाएंगे। तो आपकी टीम में और जो साथी जो जो डिले से आते हैं उनको भी हमको माइंड सेट करना है, क्योंकि किसी के ऊपर यहाँ पर हम तो किसी के बॉस नहीं है, यहाँ पर हम क्या है, हम उनके ड्रीम को जगा के ही हम अपने साथ आगे लेके आ सकते हैं। तो सब साथियों को बताना है कि भाई कोई भी चीज खाना है पूरा खाना है, जूस पीना है पूरा पीना है, तो जूम को सुनना है पूरा सुनना है मुझे। तो पूरा कब सुनेंगे, जब 6:25 पे ज्वाइन करेंगे, जो हमारे बहुत सारे साथियों ने अपना इंप्रूवमेंट कर लिया, इसके अंदर आने लग गए, 6:25 पे आने लग गए, 6:25 पे आके इस मीटिंग को ज्वाइन करने लग गए, उसका पूरा एंजॉय करने लग गए, व्यवस्थित रूप में बैठने लग गए, सारी चीजों को सुनने लग गए, टीम में इंप्लीमेंट करने लग गए, बिजनेस बढ़ने लग गया, बिजनेस बढ़ने लग गया तो पैसा आने लग गया। और ये वो पाइपलाइन है जिसको हम एक बार बनाते हैं तो फिर लंबे टाइम तक इससे पैसा आता है। तो बाल्टियों से पानी मत भरिए, किससे भरना है, पाइपलाइन बनानी है। पाइपलाइन बनाते वक्त बाल्टी से ज्यादा ताकत लगती है, लेकिन जिस दिन पाइपलाइन बन जाती है उस दिन पानी बहुत स्मूथ आता है। उस दिन डांस करिए, गाइए, नाचिए, शादी में जाइए, घूमने जाइए, देश में जाइए, विदेश में जाइए, माइंडसेट मौका देती है। उस दिन जो है आपका जो है पानी आना बंद नहीं होगा, क्योंकि आपने बाल्टियों की जगह किसको चुन लिया, हमने चुन लिया पाइपलाइन को। तो ये बहुत सारी चीजें, बहुत खुशी की बात है, आज के दिन में हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ पर आप सारे साथी, जिन जिन साथियों को लगता है कि उनका टेस्टिमोनियल आज की मीटिंग में जरूर रखा जाना चाहिए, तो उनको क्या करना चाहिए, जरूर जल्दी से जल्दी अपना हैंड रेज करना चाहिए, जल्दी से जल्दी अपनी बात को रखना चाहिए। तो रखने के लिए क्या करना है, हमको जो सीखेगा वो जीतेगा, तो सीखना क्या, डिजिटल हैंड रेज करना है। तो अभी तक लगभग 20 के आसपास साथियों ने डिजिटल अपने हैंड रेज किए हैं, तो जितना जल्दी आप हैंड रेज करते जाएंगे उतना जल्दी आपका नंबर आता जाएगा। जितना आपको ये बात लेट में समझ में आएगी तो फिर आखिर में पता है, हम हर बार बोलते हैं कि आपको अगली बार मौका देंगे। अगली बार क्यों, मैं इस बार मौका लूंगा, ये मेरे अंदर आग होनी चाहिए कि अगली बार क्यों, मैं इस बार मौका लूंगा। तो इस बार मौका लेंगे उन सारे साथियों को जो शुरू करेंगे। मैं सुधीर जी को जो है सबसे पहले बुलाएंगे, सुधीर कुमार जी बिहार से। तो सुधीर जी जो है आप अपनी बात को जो है रखिए यहाँ पर कि क्या प्रोडक्ट से जो है आपको बेनिफिट। जी, माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी सर,
सर आज का मेरा टेस्टिमोनी है कि एक बहुत गंभीर शुगर पेशेंट है सर, जी, और वो दिल्ली से आए हैं। तकरीबन उनको 8-10 साल से शुगर का पेशेंट बने हुए हैं और शरीर इतना वीक हो गया कि सर उनका सिर्फ हड्डी दिखता है पूरे बॉडी में। अच्छा। तो उनको सबसे भारी समस्या ये था कि उनको नींद ही नहीं आता था। अच्छा। तो नींद नहीं आता था और चलने फिरने में उनको पूरे बॉडी में दर्द होता है जी, क्योंकि मैडम उनको थोड़ा बहुत टहलाने का काम करती है। अच्छा। तो सर जब मेरे पास ये समस्या लेकर के आया तो मैंने उनको शुरू किया सर। सबसे पहले उनका कब्ज, बहुत भयानक कब्ज है सर जी। तो उनको मैंने लिप 2000 और त्रिफला और ग्रीन टी मैंने पहले ही शुरू कर दिया था, क्योंकि जीवन्या मेरे पास उस समय में नहीं था जी। एक सप्ताह बाद मैंने जीवन्या लाके उनको दिया। तो सर नींद तो उनका एक सप्ताह में ही बहुत अच्छा आना शुरू हुआ, बहुत अच्छा से वो सोते होते हैं जी। उसके बाद उनका टहलने बुलने में पैर में दर्द ज्यादा होता है, बॉडी बहुत वीक है। तो उसके बाद फर्स्ट महीना पूरा जीवन्या चला और आपका मांगोल चला, नीम प्यूरिम कैप्सूल, त्रिफला, ये सब चला दिए सर जी। अभी उनको बहुत ज्यादा कमजोरी, हमको बताया कि वीक बहुत ज्यादा है, कमजोरी है तो दर्द होता है, तो कुछ और एक्स्ट्रा दीजिए प्रोटीन में। हमने उनको आपका मोरिंगा गोल्ड कैप्सूल दे दिया सर और एक अपना प्रोटीन पाउडर दे दिया सर जी जी लेकिन उनका सर है क्या, सब कुछ ठीक ठाक है, कब्ज बिल्कुल ठीक हो गया सर, नींद बहुत अच्छा से आ रहा है सर, लेकिन उनका जो है दर्द नहीं जा रहा सर। तो कुछ आपके तरफ से सजेशन हो तो सर, उनका पेन अगर जल्दी जाए तो। आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हैं सर, इन्हीं को आप चलाते रहिए, टाइम लगता है, जैसे ही उनका इम्यूनिटी थोड़ा सा बूस्ट होगा उनका सही हो जाए। बिल्कुल सही डायरेक्शन में, कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है आपको। डायबिटिक प्रोटीन जरूर जो है आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बाकी सारी चीजें एकदम शानदार है, क्योंकि आप एक स्केल्टन हो गए आदमी को जो है आप इधर में कर रहे हैं, तो 3 में से 2 प्रॉब्लम उनका ठीक हुआ है, दर्द को जाने में टाइम लगता है। अभी और कुछ भी नहीं देना है उनको, एक बार उनको इम्प्रूव होने दीजिए, महीने बाद जो है आप देखिए, उसके बाद अपन इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। फाल्गुनी चटर्जी जी आइए एक बार। फाल्गुनी जी नमस्कार सर, माय रिचार्ज ऑफ द मॉर्निंग। जी सर। सर आज बताइए, एक छोटा सा प्रोडक्ट हमारा जिसका नाम है माय तुलसी। तो एक दिन रात में, रात 12 बजे, तो मेरे मामी को दांत का दर्द हो गया। तो मामी को माय रिचार्ज का जो भी प्रोडक्ट यूज करता है, सबसे एकदम बेकार प्रोडक्ट आता है माय तुलसी, क्योंकि उसका जो तेज आता है ना, वो मामी का एकदम अच्छा से नहीं लगता है, इसीलिए वो काफी से वो यूज नहीं करता है। तो जिस दिन उसका दांत में ये दर्द आता है, तो रात में वो तुलसी थोड़ा करके मैं उसको दांत के अंदर में डाल दिया। तो 3 बार डालने के बाद, 30 मिनट्स के बाद, उसका जो दर्द आता है ना, एकदम बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो उसके बाद मामी अभी हर दिन पे डेंटा बुन के साथ 2 बूंद तुलसी के साथ एक साथ में उसका वास करेंगे, ब्रश करेंगे। तो सर उसका जो दांत था पूरे एकदम बिल्कुल ठीक हो गया, एकदम सर जबरदस्त में आता है। बहुत शानदार। जिनके दांतों में दर्द होता है ना, वो तेजी से ब्रश को रगड़ते हैं, इस चीज को ध्यान रखना है, तेजी से नहीं रगड़ना, रगड़ने से क्या मसूड़ों को आप उखाड़ देते हैं, तो और ज्यादा पेन बढ़ जाएगा। तो डेंटा बून का ब्रश जो है इसीलिए इस स्टाइल में बनाया गया है कि आपको लास्ट में जो पकड़ने का एंगल है वहां से पकड़ के उसको और ऊपर नीचे करना होता है, मतलब ऐसे 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 नहीं रगड़ना होता, ऊपर नीचे करना होता है, क्योंकि कोई भी चीज जो है वो क्या, हमारे दांतों में कहाँ फंसी है, वो ऊपर नीचे फंसी है इसमें, ना कि ऐसे ऐसे रगड़ने से। तो बहुत धीरे धीरे करना है इसको, और तुलसी का 2 बूंद डाल लिया हमने इसको, किया धीरे 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 रिलीफ जो है उसका आ जाता। बहुत ही शानदार, ये तो हमारे सभी साथी इसको यूज भी कर रहे हैं, आपने अपनी मम्मी को जो है इसको दिया। देखिए दवा तो कई बार कड़वी होती है, तो उनको तीखा जो टेस्ट है तुलसी का है, लेकिन वो तीखापन है उसका, इसी कारण से तुलसी जो है इतनी महान है। तो एडेप्टोजन है तुलसी, मतलब जिसको जिसका कि जहां पे कोई चीज काम ना आए वहां पे तुलसी काम आ जाए, तो एडेप्टोजन है हर चीज में जो है, कहीं ना कहीं जो है हमको काम में आती है। एक बार जो है मैं यहाँ पर विभूति भूषण जी को बुलाएंगे। विभूति जी आप आइए एक बार। जी जी सर, मॉर्निंग सर। जी सर, सर मैं ये मेरा डाउनलाइन प्रणति मैडम के घर में हूँ अभी जी, और उनको जॉइंट पेन का शिकायत आया था।
और ये 7 दिन हो गया, मानकोल उनको दिए हैं, मानकोल खा रहा है, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है सर, और कुछ दिन के बाद ठीक हुआ, 7 दिन ही हुआ है। और लेकिन जॉइंट पेन में तो आपको ग्लूकोसामाइन ऐड करना पड़ेगा ना सर साथ में? ग्लूकोसामाइन भी खा रहे हैं, दोनों दिए हैं। हाँ तो लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, 20 दिन में इनको रिलीफ मिल जाएगा, अगली बार जो है बता पाएंगे कि बहुत अच्छा इनको रिलीफ हुआ है, बहुत शानदार। बसंत पटेल आइए एक बार, बसंत जी। रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर जी, बोलिए सर। रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर जी, सुन पा रहे हैं, बोलिए सर। मैं एक अपने ही घर का पेशेंट को दिया था, मामी को, जो 12 साल से शुगर था सर उसको। अच्छा, मेरे मामा जी ने बताया कि भांचा इसका 10 लाख खर्चा कर लिए थे। तो मैं गया एक दिन कोरबा जिला, और उसको मानगोल, तुलसी, जीवन्या, अर्जुना और मोरिंगा गोल्ड दिया था सर। 318 शुगर था उसका बढ़ा हुआ। जब एक महीने बाद मैं गया तो उसका रिपोर्ट देखा तो 141 हो गया सर, नॉर्मल हो गया है। अच्छा, अब उसका मेडिसिन जो गोली है सर, मैं उसे धीरे धीरे बंद करने जा रहा हूँ। नॉर्मल तो 100 है सर, अभी तो 141 तो ज्यादा है, नॉर्मल तो शुगर लेवल जो है वो 100 है। तो अभी और इसको बोलिए, थोड़ा वॉक करने को बोलिए, डायबिटीज के लोग ने थोड़ा घूमना बंद कर देते हैं, उसको घुमाना है, उनको बोलना वॉक करना है सुबह शाम, और यही प्रोडक्ट जो है कंटिन्यू आप करिए माय रिचार्ज के, तो उससे जो है उनको और जो है एकदम नॉर्मल हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक बार सुल्तान मौला आएगी सर, मॉर्निंग जी सर। मैं खुद के बारे में टेस्ट, मेरा टेस्टिमोनियल खुद के बारे में बताएंगे आपको। मेरा जो बैकबोन है ना सर, वो बहुत दर्द आता है, तो मैं मेरा जो ऑफलाइन है उसको पूछा, जो मेरा जो बैकबोन है तो बैकबोन का बहुत दर्द आता है, तो उनको कहा है तुम मानगोल, तुलसी और लीप 2000 लीजिए। तो मैं 2 महीना खा लिया, तो 2 साल पहले से आज ही वो बैकबोन का जो माने दर्द है ना सर, वो गुजर गए, कभी भी आती नहीं। ये मेरा खुद मुनियल है, तो मानगोल का बारे में मैं तो ये सबको जानकारी दी जाए, जो मानगोल का बहुत जो उसको बहुत बेनिफिट मिला है मुझे, और मेरा जो घर का जो ये है बीवी है, उनको भी जोड़ों का दर्द होता है। हाँ, आज सारे नहीं बताना, आज एक ही टेस्टिमोनियल बताना है, आपके पास बहुत सारा टेस्टिमोनियल है, सारा नहीं, ठीक है। खुद का पेन था, तो कमर दर्द जिनके भी होते हैं, खासकर जो है हमारा स्पाइनल कोड से रिलेटेड होते हैं, तो उसमें मानगोल और नोनी बहुत उपयोगी है ना, बहुत जबरदस्त रूप में लोगों का पेन जाता ही नहीं है, पूरा खत्म कर देता है मानगोल, उसमें बहुत शानदार, बहुत ही जबरदस्त। रेखा सूत्रधार आइए एक बार, रेखा सूत्रधार। मेरा भाई शरीर में खुजली था। हाँ जी, सारा शरीर में खुजली था, उसके लिए मैंने दिया, बहुत डॉक्टर दिखाया। अच्छा। भाई ने बहुत दिखाया, 8-10 साल हो गया है, लेकिन अच्छा नहीं हो रहा था। तो अभी अभी हम इसके लिए दिया है नीम पुरीम, एलोवेरा और तुलसी और नारियल तेल और बाम, पेन रिलीफ बाम जी। उसे आज 1 महीना हुआ है दिया है, तो अभी धीरे धीरे ठीक हो रहा है। अच्छा, क्या पूरी बीमारी है वापस से एक बार बताइए तो। खुजली है, खुजली। अच्छा, पूरा खुजली है। हाँ, शरीर में खुजली होती है। तो क्या प्रोडक्ट दिया? नीम पीरियम दिया है, बाम दिया है, नारियल तेल दिया है, और क्या दिया है? तुलसी दिया है, एलोवेरा कैप्सूल दिया है। एलोवेरा कैप्सूल, ठीक है, हो जाएगा, इस तरह ठीक हो जाएगा। बोलिए, खान पान का ध्यान रखिए, तीखे मिर्च मसाले मत खाइए, थोड़ा सा ना तेल वाले, ज्यादा ऑयल वाली चीजें मत खाइए, क्योंकि ये सारे जो होते हैं वो लीवर से जुड़ के होते हैं, और अगर बहुत दिन तक अगर बेनिफिट नहीं आता तो लीव 2000 कैप्सूल उसके साथ ऐड करिएगा। अभी कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, बेनिफिट आ रहा है, इसी से ठीक हो जाएगा, तो बहुत चीजें नहीं देनी है। जी सर,
जो आता है तो लीव 2000 बाद में ऐड करता है, बहुत अच्छे से नियुक्त कर दीजिए मैम आप अपने आप को, बहुत बढ़िया। बबलू जी आइए एक बार, बबलू कुमार सिंह। मॉर्निंग सर जी। सर एक साथी था हमारा जो कि मैं ऑटो चलाता है वो, अब उनको क्या है मैं सवारी कर रहा था सर, जा रहा था उनके साथ तो उनको खांसी बहुत जबरदस्त में था सर और सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम था। मैंने उनको बताया, एक दिया उनको मैंने काढ़ा और एक तुलसी एक मानगुल दिया जी। अगला लिया सर, बढ़िया है, बहुत फायदा भी मिला है उनको। और मैंने कल फोन करके भी पूछा था सर आपका कैसा पोजिशन है, बोला बोलू जब बहुत कम हुआ सर, मेरे पास तो ये एक बहुत जबरदस्त में टेस्टिमोनियल था सर, क्यों सवाल अनजान लोग था हमारा वो, अच्छा रिस्पांस मिला सर। जयपुर तो अभी खांसी जुकाम का हब बन गया है, हर आदमी को खांसी जुकाम हो गई है, बरसात का भी मौसम अब चल रहा है ना सर अभी। हाँ जी हाँ जी, तो इसमें तुलसी हो गया, नीम पीरिम हो गया, काढ़ा हो गया, बहुत ही उपयोगी, बहुत जरूरी। अर्पण कौन आई है एक बार। नमस्कार, माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। आज जो टेस्टिमोनियल बता रहा हूँ वो लास्ट 10 दिन का एक बात है। अभी कलकत्ता में एक बहुत प्रॉब्लम हुआ है, आंखों का प्रॉब्लम सर, जिसको हम लोग भाषा में जय बांग्ला बोलते हैं, लेकिन ये खास करके बच्चे लोगों को होता है, मैंने 10, 12, 15, 7, 8 साल का होता है। ऐसा होता है आंखों में ब्लड क्लॉट हो जाता है, बहुत दर्द होता है, आंखों से पानी निकलता है, इसीलिए स्कूल में आना भी बंद हो जाता है, क्योंकि स्कूल से वो स्टॉप कर देता है, तुम स्कूल में मत आओ। इसी तरह एक 10 साल का लड़की का मेरे घर के बगल में वो रहती है, तो उसको सेम दोनों आंखों में ऐसा चीज होने से बहुत रोता था, तब मैंने उनको जाके तुलसी दिया। लेकिन हम लोग जानते हैं तुलसी डायरेक्ट आंखों देने से कुछ खराब नहीं होता है, लेकिन बहुत जलन होता है और बच्चे लोग, तो इसीलिए मैंने आधा लीटर पानी में 10-12 बूंदे तुलसी देके उनको आंखों के देने बोला, और मुंह में ऐसा मुंह जैसे धोता है तुम ऐसा धो, और मैंने मुंह धोने के बाद उंगली में एक फोटा तुलसी लेके आंखों के नीचे जहां पर हम लोग काजल पड़ता है आंखों के नीचे ऐसे 4-5 बार दिन में दो, ऐसा 5-6 दिन देने में उनको बहुत रिलीफ हुआ और अच्छा भी हो गया, जिसमें ये 10-15 दिन लगता है ये ठीक होने में। तो ये सर बहुत एक बड़ा टेस्टिमोनियल है और बहुत मैंने बच्चे लोगों को ये काम होता है सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सीधी तुलसी नहीं डालनी है लेकिन आंखों में, पानी के साथ ही जैसे आपने बताया ना, आधा लीटर पानी लिया उसमें आपने 8-10 बूंद डाल ली, उसको करके ही करना है, पानी के साथ मिक्स करके ही हमको करना है, तुलसी को सीधा नहीं डालना है। तो बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आंखों की जितनी भी प्रॉब्लम है उसमें तुलसी बहुत ही जबरदस्त है। छोटे बच्चों को जो ये आती है, आंख दुखनी भी आ जाती है उधर, मुझे नहीं पता कि बाकी जगह क्या बोलते हैं, इधर राजस्थान में आंख दुखनी बोलते हैं उसको, बच्चे की आंख नहीं खुलती है सुबह सुबह ना, इतना पूरा कुछ ये भर जाता है आंख में। तो उनको भी लगातार अगर अपन पानी में तुलसी मिला के अगर धुलवाते हैं आंखें, तो वो धीरे धीरे ये बीमारी खत्म हो जाती है। चंपा खारडा मैडम आइए एक बार। चंपा मैडम। मैडिचर्ज मॉर्निंग सर जी। मैम मेरा पड़ोस में एक लेडीज थी, वो आके बोल रही है जो मेरा ससुर का तबीयत बहुत खराब है, बोले क्या हुआ, तो फिर उनको फीवर हुआ था और कमजोरी भी आ गया था, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, फिर हम उसको बोले तो मेरे पास मांगोल ली और लिप और ये लिए तुलसी काढ़ा और मोरिंगा गोल्ड और नोनी, ये 4-5 चीज दिए, तो 15 दिन बाद आकर बोले अभी बहुत ठीक है, फीवर नहीं है, सांस लेने में भी ठीक हो रहा है। और उसके बाद बोले हम बोले एक बार ब्लड टेस्ट करके देखो, तो ब्लड टेस्ट किए तो उसको जॉन्डिस हुआ है, तो उनको हम फिर से ऐड किए लिप 2000, अभी चल रहा है, पहले से ठीक है। हाँ, लिप 2000 देने से जॉन्डिस में तो पूरा ही क्योर हो जाएगा, बट कुछ दिक्कत ही नहीं है उसके लिए। ये अपने आप में जो है लीवर के लिए दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट्स में से एक हमारा लिप 2000 है,
बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, ऐसे ही जो है लोगों की सेवा करते रहिए तो वो आपके साथ जो है अपने बिजनेस में आते रहेंगे। सजन लाल जी आइए एक बार, सजन लाल चौरसिया। माय टाइम मॉर्निंग सर। जी सर। सर माइग्रेन के विषय में बात करेंगे कि एक युवा थे जिनकी उम्र लगभग 27 साल की है जी, तो उनको माइग्रेन की समस्या बहुत ज्यादा हो गई थी और काफी परेशान थे, तो मुलाकात हमारी उनसे हुई जो है, तो हमने उनको सलाह दिया कि अगर माइल रिचार्ज का अपना मानगोल और नोनी और तुलसी हमने उनको दिया, एक महीने में उनको बहुत आराम हुआ और दो महीने के होते होते उनका बिल्कुल लगभग खत्म हो गया। तो उन्होंने मानगोल तो बंद कर दिया क्योंकि युवा है, बहुत पैसा उनके पास नहीं रहता है, लेकिन अभी भी तुलसी और नोनी अभी वो ले रहे हैं, बिल्कुल वो लगभग 3 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो एकदम माइग्रेन। बहुत बढ़िया, लेकिन बंद नहीं करना चाहिए सर, 4 से 6 महीने जो है ना हम इसको सजेस्ट करते हैं, क्योंकि माइग्रेन फिर अगर आता है तो फिर और डेंजरस होता है, तो इसलिए जब पूरी तरह स्वस्थ हो तब भी उनको हमको एडवाइज करना है, क्योंकि 3 महीने में ऑलमोस्ट 2 महीने में ही खत्म हो जाता है, आदमी को लगता है पूरी तरह स्वस्थ हो गए, अब तो कभी सर भी नहीं दुख रहा, अब तो मितली भी नहीं आ रही है, अब तो कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन वो फिर दोबारा से लौट के आता है ना, तो उनका बिलीव पार्ट भी कमजोर होता है और उनको फिर दोबारा से जीरो से शुरू करना पड़ता है। तो माइग्रेन के जितने भी लोगों को हम दे रहे हैं उनको पहले हमें माइंड सेट करके बताना है, देखो इसको कम से कम 4 महीने तक आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, फिर आपको ये जिंदगी भर जो है आपका चला जाएगा। बहुत बढ़िया सर, आपने बताया है युवा है, पैसे की कमी है, लेकिन सर हमारे हाथ की कीमत क्या है पूछ के देखिए एक आदमी से ना, तो उनके तो सारा दिमाग के ऊपर हावी होता है, अगर हम बोले कि आपकी उंगली की कीमत क्या है तो उसको करके, तो सबसे पहले इसीलिए बोला गया कि पहला सुख निरोगी काया, सबसे पहले इसीलिए इस चीज को बोला गया कि पहला सुख निरोगी काया, उससे बढ़ के कुछ नहीं है। धन चला गया तो बोलते हैं ना वापस आ जाएगा, तो जो है फिर दूसरे नंबर पे जो है ना कैरेक्टर को, धन को तो बहुत बाद में रखते हैं सर, स्वास्थ्य को सबसे पहले, फिर कैरेक्टर, धन तो बहुत बाद की बात। बहुत अच्छा, बहुत ही जबरदस्त रूप में आपने जो है इसको माइग्रेन के ऊपर बताया, माइग्रेन का जितने भी लोगों को देखते हैं दिया है, मैंने ऐसा कोई आदमी नहीं देखा है माई रिचार्ज में, चाहे वो लेडीज हो, जेंट्स हो, युवा हो, बूढ़े हो, क्योंकि पहले ये जो है ना नहीं होता था 30-32 से, लेकिन आजकल तो 20-22 साल के लोगों में माइग्रेन हो रहा है, और जिसको दिया उसका ठीक हुआ ही हुआ है, तो ये बहुत शानदार जो है आपने जो है इसके बारे में बताया। रजन्या दास आइए एक बार जी। मैम कि हस्बैंड की स्कूल में एक कॉलिक है, उसकी एक रिलेटिव है, उसको सर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, तो उसकी घुटनों और पैरों की एड़ियों में बहुत दर्द होता था, सभी सुबह जब उठती थी वो पैर बिस्तर से नीचे जमीन पर नहीं रख पाती थी, तो वो सर बहुत डॉक्टर दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि वो जितने साल जिएगी मेडिसिन लेना पड़ेगा, तो सर मैं मोरिंगा माय तुलसी ग्लूकोसामाइन और मांगोल दिया था, तो सर वो ये चीजें लेने से अभी 1.5 से 2 महीने अभी नहीं हुआ है, तो उसमें सर वो बहुत 90% रिलीफ हो गई है, और मैंने बोला कि वो अभी कंटिन्यू 6 से 7 महीने कंटिन्यू करना पड़ेगा, तो फिर से और वो वापस नहीं आएगा सर। थैंक यू। करेक्ट, हाँ, ज्यादा टाइम तक इसको लेना है, क्योंकि उसको कार्टिलेज बनाने में ना मानगोल और मोरिंगा गोल्ड हम साथ में देके ग्लूकोसामाइन जब देते हैं तो बहुत जल्दी रिलीफ आ जाता है, लेकिन कार्टिलेज बनने में टाइम लगता है, तो तीनों का कॉम्बिनेशन को आपको कंटिन्यू जो है उनको यही चीज जो है करना है। बहुत बढ़िया, मैं बोलता हूँ हस्बैंड वाइफ जो है साथ काम करेंगे तो 1-1-11 हो जाएंगे, है ना, तो 1-1-11 जो है, देखिए आप इधर कर रहे हैं, आपके हस्बैंड जो है साथ में बैठेंगे, सीखेंगे, करेंगे उसको करके, तो इनके हिस्से में भी कुछ लेग चलने शुरू हो जाएंगी उधर में करके, तो बहुत जरूरी है दोनों जब होते हैं एक तो, और जितने भी हस्बैंड वाइफ चाहते हैं कि उनके हस्बैंड वाइफ जो है ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को टाइम दे, तो इस बिजनेस को ज्वाइन करिए एक साथ। बहुत ही बढ़िया मैडम, बहुत जबरदस्त, एक बार में बबीता राठी मैडम को बुलाते हैं। मैडम आप कैमरे को स्थिर करिए क्योंकि आपका कैमरा ना बहुत ही माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर जी। जी मैम। हाँ, तो मैं एक बताना चाहती हूँ, एक साथी है जो 40 साल
हो गया, उनको सांस की दमा की प्रॉब्लम है। तो उनसे ऐसे ही मिली, बात किया तो मैंने, तो उन्होंने कहा मैं तो थक गया हूँ हर एक डॉक्टर को दिखा करके, पता नहीं कितना लाखों रुपया मेरा खर्चा हुआ। जी। तो ये लाखों रुपया खर्चा हुआ तो मैंने उनका इस चीज को एक पकड़ लिया नफ्स को कि इन्होंने इनके हेल्थ को लेकर के सीरियस है, कि हेल्थ इनका जब ठीक हो जाएगा तो ये अपने आप ही मेरे साथ बिजनेस पे आ जाएंगे। जी। तो इस चीज के लिए मैंने उनको बोला, तो सांस की प्रॉब्लम जब बोले उन्होंने, मैंने कहा कि आपका ये सांस की प्रॉब्लम एकदम ठीक हो जाएगा। तो कैसे होगा, कोई डॉक्टर नहीं कर पाया, आप कर पाओगे? मैं बोली मैं बिल्कुल कर पाऊंगी, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, बट डॉक्टर ने जो काम आपका नहीं किया वो काम मैं कर दूंगी। जी। तो आपको बट एक ही है मेरा कि 6 महीना आपको कंटिन्यूस आपको इसको लेना है, तब जा करके कुछ भी चाहिए राई हो, राई के जितना भी रिजल्ट आएगा ही। जी। तो उन्होंने कहा ठीक है, ओके डन, आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा। जी। तो उनको कंटिन्यू मैं 6 महीना दिया, 6 महीना देने के बाद में वापस जो टेस्टिंग करवाया, तो टेस्टिंग के अंदर आज ही अभी है जो 75% उनके जो सांस अंदर में जितने भी कफ वगैरह जमे हुए थे वो सारे कफ क्लियर है। वो जिस डॉक्टर को वापस होम्योपैथी डॉक्टर अपने एरिया में दिखाते थे उनको जा करके दिखाया, तो उन्होंने कहा आपके तो 75% ये पूरा कफ निकल चुका है, 25% जो है वो 25% आपके फिर निकल जाएंगे इससे कुछ नहीं। तो उन्होंने फिर कहा कि मैं अभी आयुर्वेदिक जो है प्रोडक्ट वो मैं ले रहा हूँ। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, आपको अगर उससे ये हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसी को लेते रहिए ताकि आपका ये। क्या प्रोडक्ट दिया था मैडम आपने? मैंने उनको दिया मांगोल और काढ़ा, एलोवेरा और आमला, और साथ में लिप 2000 दिया था, और तुलसी को तो मैं कभी भी कोई प्रोडक्ट बोल करके मानती नहीं हूँ कि वो मेरा हर जगह पर वो कोई प्रोडक्ट ले या ना ले, तुलसी मेरा मस्ट है ये है लाइफ के अंदर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। लेकिन जिनको कफ और खांसी वाला होता है उनको ठंडे पानी से मांगोल नहीं लेना है, गर्म पानी से मांगोल लेना है, और किसी को अगर उसमें कुछ और दिक्कत है तो खाना खाने के बाद लेना है खांसी वाले को, इस चीज को हमको ध्यान रखना। बहुत बढ़िया। तो राखी विश्वास मैडम आइए एक बार। माय रिचर्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर, मुझे मेरे मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मेरे सिर बालों में रूसी था, मैं डैंड्रफ था, तो मैंने टेस्टिमोनियल में ही देखा कि स्पाइरुलिना लेने से ठीक हो जाता है, तो 2 महीने से मैं स्पाइरुलिना ले रही हूँ, रूसी भी ठीक हो गया। उसके साथ साथ मैं नेचर डी रिंगा ऑयल और नेचर डी हर्बल शैम्पू लेती हूँ, तो मेरा बाल लगभग घुटने तक पहुँच गया है। अच्छा, बाल भी बढ़ गए हैं और चला गया है। शैम्पू ऑयल पहले से यूज करती थी लेकिन स्पाइरुलिना 2 महीने से यूज कर रही हूं। 2 महीने से बहुत लंबे हैं। हाँ। बालों का काम करता है, बालों को बढ़ाता भी है और डेंड्रफ को खत्म करता है बाहर से ना। ये प्रोटीन की अपने आप में एक बड़ी क्वालिटी है इसकी, जो है ये प्रोटीन का सोर्स भी बड़ा है, साथ में ये जो है डेंड्रफ को खत्म करता है, ये एलर्जी को भी खत्म करता है। तो डेंड्रफ भी जो है वो बालों की एक एलर्जी है एक्चुअल में, तो तमाम किस्म की एलर्जी में ये काम करता है। तो यहीं से बहुत बढ़िया। तो स्पाइरुलिना को जो है, और जिनको भी डेंड्रफ है तो उनको जो है आप आज जो है सारे लोग जो राखी मैडम ने बताया है, तो हम सबको जो है खुद को भी यूज करना चाहिए और डेंड्रफ वाले लोगों को भी यूज कराना चाहिए धीरे धीरे अपने बिजनेस, क्योंकि लोगों की बीमारी तो नहीं है डेंड्रफ देखने में तो, लेकिन ये बहुत बड़ी बीमारी है, तो उसको जो है ये बीमारी भी अपने आप में ठीक होगी और साथ में हमारे बिजनेस में आएंगे। कल्पना मैडम आइए एक बार। जी मैम। सर आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी मैम। सर मैंने 3-4 दिन पिछले का एक टेस्टिमोनियल बताऊंगी। मेरे टीम में एक साथी है, उनका बुखार हो गया था अभी जी। तो हमारे इस इलाका में बारिश का मौसम चल रहा है, तो देख रही हूँ फील्ड में जाके तो बुखार हो रहा है सभी लोगों का जी। तो उनका बुखार हो गया तो उन्होंने बताया दीदी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है और शरीर में बहुत नाजुक हो रहा है, तो क्या करूँ, तुलसी तो ले रही हूँ लेकिन वो तो कुछ नहीं हो रहा है।
तो मैंने बोला आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट है, तो उन्होंने बोला जुलाई तहसील और काढ़ा ये सब है। तो मैंने बोला काढ़ा दो बार लीजिए, सुबह शाम में दो बार लीजिए खाली पेट में, और दो दो करके कैप्सूल कैप्सूल लीजिए। तो वो एक दिन लिया और फिर दूसरा दिन फोन किया मैंने उनको, तो उन्होंने बोला दीदी मेरा बुखार भी नहीं है, शरीर ठीक हो गया है, मैं काम पे जा रही हूँ। तो ये मेरा बहुत बड़ा टेस्टिमोनियल है मेरे पास, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है, तो जिसका ये बुखार होगा तो काढ़ा तुलसी और जुलाई कैप्सूल बड़ा फायदा देगा। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, लेकिन एक दिन में तो स्टॉप नहीं करना है ना मैडम, कम से कम हमको 3 से 4 दिन, मतलब बुखार वाला जिनको लगती है ये वाला जो है उसको 3 दिन मिनिमम 4 दिन उनको लेना है ना। और काढ़ा 2 टाइम ये लोग ले सकते हैं, बाकी नॉर्मल में काढ़ा पीते हैं तो हमको वीक में 5 डेज ही एक ही टाइम लेना होता है, लेकिन हम जब ये बुखार है, सर्दी है, जुकाम है तो दोनों टाइम जो है ले सकते हैं। काढ़े से जो भूख जिन लोगों को नहीं लगती है ना, जिनकी भूख मर गई है, उनके लिए काढ़ा बहुत जबरदस्त है। इसमें भी बुखार में भी जो है भूख खत्म हो जाती है एकदम से, तो किसी भी किस्म की भूख अगर खत्म है उसमें काढ़ा बहुत जबरदस्त है, सुबह सुबह खाली पेट अगर पीते हैं तो। लेकिन ऐसे इसमें जो है बहुत जबरदस्त है, लेकिन उनको सबको एडवाइज करिए मैडम, आपके चारों तरफ जो है बुखार जुकाम वाले लोग घूम रहे हैं, कि 4 दिन तक लगातार तीनों चीजें काढ़ा, गिलोय और तुलसी, या गिलोय अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो नीम पीरियम दे सकते हैं, मतलब कौन सा अल्टरनेटिव एक ही जैसा काम करेगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं इस बीमारी में तो, बुखार जुकाम में तो। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सविता गुप्ता मैडम आपको ना वाइड करना पड़ेगा मोबाइल, एक बार आपको मैं बुलाता हूँ, तब तक दीपक गिरी जी आप एक बार आइए। दीपक गिरी जी सर, मॉर्निंग सर। जी सर। सर मैंने एक अपने गांव में ही एक देवानंद जी है, उनको पैर में सूजन था बहुत ज्यादा, उन्होंने अंग्रेजी दवाई भी कराई और होम्योपैथी भी कराए, 2-3 महीना कराए, साल भर सूजन था उनको, ठीक नहीं हो रहा था। ऐसे ही मेरे यहाँ आए घूमते घूमते के लिए आए, दिखाया हमको, हम बोले जो देखिए जब अंग्रेजी दवा और होम्योपैथी से भी अगर थक गए हैं तो मैं थोड़ा सा दवाई दे कर देखता हूँ आप, इस पर अगर 19-20 हो ना तो संपर्क कीजिएगा। तो उनको नोनी और मोरिंगा कैप्सूल 5-5 गोली हम दिए, रात में खाए, उसी जगह हम 2-2 गोली खिला दिए उनको 15-15 मिनट के अंतराल में। फिर वो कल होकर के हम नहीं थे घर पे, हम फील्ड में थे, उसी समय वो आ गए घर पे और बोले जो हमको इसका डब्बा जो है संपर्क बुझाया है, हमको चाहिए। फिर हम उनको मोरिंगा गोल्ड, नोनी कैप्सूल और मांगोल एक तुलसी दिए, काढ़ा भी दिए उनके साथ में, लेकिन काढ़ा वो नहीं पिए, उनको गर्मी बहुत ज्यादा देने लगा तो काढ़ा भी नहीं पिए। और ये 3-4 उपचार चला रहे हैं फिलहाल, तो भी उनका पैर का सूजन बहुत कम हो गया है, बहुत कम बोले पूरा साफ हो, लेकिन हल्का हल्का सूजन घुटने में सूजन है कि और जगह पे? जी नहीं नहीं घुटना से नीचे सूजन है। अच्छा, घुटने से नीचे सूजन। जी जी, बहुत बढ़िया, धीरे धीरे दर्द भी चला जाएगा। जी बिल्कुल चला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट प्रोडक्ट दे रहे हैं आप, बिल्कुल काम करेगा इसके अंदर। एक बार पिंटू बेरा आइए। पिंटू जी मैडम सर, मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। सर एक बच्चा के बारे में हम टेस्टिमोनी दे रहा जी, बताइए। हमारा आंख से देखा कि उसका उम्र बोलता 11 साल, देखने के 6 से 7 साल लग रहा, तो उसी टाइम में उसको साथ बात किया, उसका माता जी का, उसका पिताजी का साथ बात किया, तो उसका दादाजी बोला जे हमारा घर का सब आदमी ऐसा ही होता। तो हम बोला जे क्यों होता, आपका बगल में कोई आदमी नहीं है, आपका घर में ऐसा आदमी क्यों होता? बोलते जेनेटिक्स का है। जेनेटिक्स का क्या है, आप एक काम कीजिए, उसका कोई चीज कौनसी है इसलिए इसे तो तुम बोलता तो क्या करना होगा? हम बोला हम एक चीज देगा, वो चीज देगा, उसको 3 महीना खिलाइए, देखिए कैसे होगा। बोले ठीक है दीजिए। तो उसका हम चैंस दिया और तुलसी दिया जी। तो 3 महीना नहीं है, वो 2 महीना है, उसके बाद वो हमको फोन करके बुलाया, तुम जो देखी गया ना, हाँ,
पूरा ताज्जुब हो गया कि बच्चा इतना डेवलप किया तो हम पहले सोचा नहीं है। तो तुम एक बार आओ। तो उसके बाद हम गया था, उसका दादाजी हमको बोला क्या चीज है, क्या चीज है, तो क्या क्या रिक्वेस्ट है उसको बताया हम। तो बोला जो हम तो पहले मालूम नहीं है, हम तो पहले सोचा जैसे जेनेटिक चीज है, तो नहीं है इसका कोई, जो आप बोला था जो न्यूट्रिशन कोई विटामिन इसका घाटती है वो भी हम लोग मालूम। तो हो गया 2 महीने में। हाँ बोलिए सर। हस्तपुष्ट हो गया बच्चा, मतलब अच्छा तंदुरुस्त दिख रहा है। जी 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 सर। हाँ तो उनको बोले ये बच्चों के लिए संजीवनी बूटी है, ये जो न्यूट्रीबोन चैम्स है और ये तुलसी है, ये बूटी है ऐसी जिसको लेने से, क्योंकि माल न्यूट्रिशन होता है लोगों को पता नहीं चलता। माल न्यूट्रिशन में हेरिडेटिक यही है कि हेरिडेटिक वो जैसे खान पान जो है उसका प्रॉब्लम है। तो जहां जहां पे जिन भी बच्चों का बहुत रोते हैं, बहुत विकास नहीं होता है, बहुत ऐसे घूमते हैं, उनको जो है जैसे हम चालू करते हैं। तो ये तो बहुत सारे लोगों ने बताया, पिंटू जी ने जो बताया, ये दूसरे बहुत सारे साथियों ने बताया कि इस टाइप की जो प्रॉब्लम है उनको न्यूट्रीबोन चैम्प्स देते ही जो है बहुत जबरदस्त रूप में बच्चे का ग्रोथ होता है। और इसीलिए हमारे जितने भी सक्सेसफुल लीडर हैं उनके बच्चे उनसे लंबे हो गए हैं न्यूट्रीबोन चैम्प्स खाते खाते। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सर। सविता गुप्ता जी आइए एक बार। जी मैम, मैम इसको आप ऐसे घुमाएंगे ना मोबाइल को तो आपका ना ये वीडियो सही होता है। हाँ इसको सीख लीजिए, ये भी हमारे को सीखना होता है। हाँ बस यही रुक जाइए, बोलिए। जी सर, मारे चार मॉर्निंग सर। जी मैम। सर एक जेंट्स थे, उनको आँख की प्रॉब्लम थी जी। तो उनको मैंने मान बोल दिया और तुलसी दिया और लोनी दिया जी। तो उनको गैस की प्रॉब्लम ठीक हो गई सर जी। और उनको मतलब माथा में माइग्रेन की भी परेशानी था। अच्छा। हाँ जब यूज करने लगे ना तो फोन करके बताते हैं मेरे को जो गैस भी ठीक हो गया है दीदी, और हमारे तो माइग्रेन भी परेशानी ठीक होने लगा है, तो इसको हमें को 6 महीना दीजिए यूज करने के लिए। तो मैंने बोली ठीक है, इसको 6 महीना 7 महीना यूज करिए, आप ठीक हो जाएंगे। बस यही है टेस्टिमोनियल सर। हाँ तो इसको साथ यूज करना, सेटिस्फाइड कस्टमर एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर, उनको बोलिए हमने आपकी मदद की, ऐसे बाकी लोगों की मदद करने का आपका भी तो काम है ना, और मदद करते हुए अगर हमको पैसे आते हैं तो अच्छी बात है। तो बोलिए आप भी जो है इस कारवां को आगे बढ़ाना है। तो अकेली सविता मैडम की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना आयुर्वेद को आगे बढ़ाना, इस चीज को आगे बढ़ाना, न्यूट्रिशंस को। तो आप उनको भी बोलिए इस बिजनेस को भी आपको आगे बढ़ाना है। सुनीता मंडल मैडम आइए एक बार। सुनीता मैडम। माय डियर मॉर्निंग सर। जी मैम। मेरा टेस्टिमोनियल मेरी खुद की है, मेरी मुझे कुत्ता में काटा था, बहुत दर्द हो रहा था, मैं वहाँ पर तुलसी लगाया फिर दर्द कम हो गया। हाँ लेकिन कुत्ते ने काटा उसका जो है मैडम कुछ ये लगता है, इसका इंजेक्शन जरूर लगवाना चाहिए। चेक लगाया था, लगा दिया मतलब इंजेक्शन लगवा लिया, बाकी जो पेन होता था उसके लिए तुलसी आपने लगाया तो उससे आपका पेन नहीं हुआ, पेन कम गया था और वैक्सीन लिया था। हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया। मांगोल पी रही है? हाँ हाँ मांगोल तो पी रही, मेरा गैस का प्रॉब्लम है, मेरा माइग्रेन था, मेरा माइग्रेन तो ठीक हुआ, गैस नहीं ठीक हुआ है, लिपुथाजेन तिफला खाती हुआ, मांगुल खाती हूँ, अभी भी चल रहे है। वो भी ठीक होगा, वो भी सारा चीज ठीक हो जाएंगे। आप हमारे लोग ही जो है, हमारे सारे जो है ब्रांड एम्बेसडर है। मनोज कुमार जी आइए एक बार। जी सर। मैरिज मॉर्निंग सर। जी सर। सर मेरा जो खांसी का प्रॉब्लम था अब वो ठीक हो गया है लगभग 90% और 10% बचा हुआ है, लेकिन पानी उनी में जाने के बाद एलर्जी होता है। और बाद में कि मेरा वाइफ वाला भी प्रॉब्लम जो था सर वो अब 90% सुधार है, नहीं है। यही था मेरा टेस्ट। पानी में जाते हैं तो सर स्पायरुलिना गोल्ड शुरू करिए ना सर,
आपको एलर्जी होती है जिन भी साथियों को, तो इसपे तो अलग अलग अपन नहीं बताएंगे ना। जिन हाँ भी तो एलर्जी है आप स्पिरुलिना गोल्ड चालू करिए। सर स्पिरुलिना गोल्ड जो है रात मतलब यूज कैसे करना है सर? खाली अभी भी ले लीजिए, जब आपका मूड बने तब ले लीजिए। खाली खाना खा के इसका ऐसा कुछ नहीं है कि साहब इतने बजे ही खाना इतने बजे नहीं खाना। जब भी आपको लगे कि मैं भूल गया था तो खाना खाने के बाद ले लीजिए। खाना खाने से पहले या सबसे बेटर है खाना खाने से पहले खाइए, लेकिन अगर भूल गए तो खाना खाने के बाद खा लीजिए। ऐसा कुछ कुछ इश्यू नहीं है उसके अंदर जी। बहुत ही शानदार। आपको भी वाइफ को दोनों को जो है ये प्रॉब्लम थी, इन्होंने बात किया था मेरे से, तो इनको दो तीन चीजें छोटी छोटी बताई थी ठीक होके। बीना सानी जी बात करनी एक बार। बीना मैडम मॉर्निंग सर। आज का जो टेस्टिमोनियल है मैं अपनी बहन के बारे में बोलूंगी। तो मेरी बहन है वो बहुत ही वीकनेस फील करती थी और उसका गैस का समस्या था। गैस की समस्या की वजह से उसको सीने में दर्द होता था, तो ऐसा बहुत दिन से चल रहा था, बहुत डॉक्टर दिखा रही थी। तो मैंने उसे कहा तो मेरे बातों पर विश्वास नहीं किया, अपने लोग ज्यादा होते हैं ना विश्वास नहीं करते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर भी मैंने उन्हें जोर जबरदस्ती बोला कि तुम एक बार ट्राई करके देखो ना। तो ट्राई किया तो मैंने उन्हें कहा कि मांगोल तुलसी लिप्टो 1000 और त्रिफला खाओ। तो उन्होंने कहा नहीं त्रिफला और तुलसी, त्रिफला और ये लिप्टो 1000 मैं नहीं लूंगी, बहुत ज्यादा दाम हो जा रहा है। तो सिर्फ मांगोल तुलसी खाया 2 महीने और ठीक हो गई। ठीक हो गई वो बोलती है कि मैं नहीं लूंगी। तो मैंने कहा कम से कम 6 महीने लेना है, उसके बाद नहीं लेती हो तो तुम अपना समझो। तो 2 महीना ली, ठीक हो गई, छोड़ दी। 6 महीना इसी तरह कट गया, अच्छा वाला ठीक थी। फिर से उसका प्रॉब्लम महसूस हुआ है तो फिर 2 दिन पहले आकर के फिर से मांगोल तुलसी लेके गई है। तो मतलब इसका तरीका क्या है मैडम? आपको रैंक चेंज करना पड़ेगा, और रैंक और इनकम जो है ना वो फिर घर वाले मानेंगे, उससे पहले नहीं मानते हैं घर वाले। तो थोड़ा सा अपना ना रुतबा बढ़ाना पड़ेगा घर में। ठीक है, ठीक भी हो रहे हैं फिर भी नहीं मान रहे हैं, तो अपने किस्म से तो चीजों को नहीं लेना है कि हम ये लेंगे ये नहीं लेंगे। तो अब ये तो घर के हैं, बाहर के लोगों को तो हम बोलते हैं आप दीजिए ही मत, अगर इस रूप में वो सोचते हैं तो। हमको आधा आधा ट्रीटमेंट नहीं देना है क्योंकि उससे फिर हमारे प्रोडक्ट के बारे में जो है गलत धारणाएं होती है। तो घर में क्या करना है, रैंक और इनकम बढ़ानी है और ज्यादा, तब घर वाले जो है मानते हैं, बोले ये दूसरी बीमारी का भी समाधान करती है साथ साथ। तो ये चीज है, बहुत ही बढ़िया। आप तो बहुत अच्छे से जो है आगे दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। नसीम पठान मैडम आइए एक बार। सर हमारे महल में एक लेडीज बैठी है सर, उनको सोराइसिस की प्रॉब्लम थी और वो हर तरह की ट्रीटमेंट करा के थक चुके थे 3-4 साल से लगभग, और यहाँ तक उन्होंने लास्ट में पंचकर्म भी कराया मगर उनको कुछ चीजें यानी फायदा नहीं मिला। थोड़ा बहुत कहीं देसी इलाज स्टार्ट करा था, फिर इनको पता चला कि हमारे यहाँ ये प्रोडक्ट वगैरह देते हैं और इससे लोग अच्छे हो रहे हैं, तो घर ढूंढते ढूंढते आए थे और उनको फिर ये उनकी प्रॉब्लम हमने सुनी। तो उनको ये बताया कि जैसे अगर आपको ये तकलीफ से दूर होना है तो ये आप ये स्टार्ट करोगे तो इससे आपको बहुत अच्छा फायदा भी मिलेगा और आप खुद अपने ही बताओगे हमको क्या क्या बेनिफिट मिला है। तो हमने उनको जैसे मांगोल दिया है लीव 2000 नौनी माई तुलसी बाम और तुलसी बॉडी वॉश दिया है उनको। जैसे उस अंदर से खून पूरा ब्लैक हो जाता है और पूरी बॉडी ब्लैक हो गई थी उनकी, जैसे अपना जो गोल सर्कल होता है ना वैसा पूरा बॉडी में ब्लैक ब्लैक हो गया था उनका, उनको वो और सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती थी। और ये सिर्फ मांगो और तुलसी पीना जब से इन्होंने स्टार्ट किया इनको 10 ही दिन में रिजल्ट मिला है, जो बाहर से नहीं मिला था वो 10 ही दिन में इनको बेनिफिट मिला है। अभी इतना खुश हो रहे हैं वो और इनकी स्किन जो बिल्कुल जो ब्लैक हो चुकी थी वो धीरे धीरे इनका जो पहले जैसा रंग था वो फेयर होने लगा, यानी अब इनकी स्किन व्हाइट होने लगी है। और सोरायसिस तो खत्म ही हो जाएगा, जहाँ पे वो ब्लैक स्पॉट हो रहे हैं ना वहाँ उनको बोलिए कि हल्का बाम के साथ तुलसी को मिला के जो है लगाना है, रगड़ना नहीं है बहुत ज्यादा, बिल्कुल आसानी से लगा देना है उसको, क्योंकि अकेला मांगोल और तुलसी जो है इसको तो खत्म कर देते हैं पूरी तरह। बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त। थोड़ा कंटिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि सोरायसिस बहुत दिन से बन के आया है स्किन के अंदर, और लिम 2000 आपने एड ऑलरेडी कर दिया है क्योंकि ये बीमारी जो है वो भी लीवर से जुड़ी हुई बीमारी है। डॉक्टर प्रमोद आइए एक बार। यस मैरिज चार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी सर।
सर मेरे यहाँ एक पेशेंट था सर, उसको जो है स्थायी रूप से बाह में पूरा दर्द रहता था, इस शोल्डर में जी, ऊपर भी नहीं उठता था जी, और बीपी भी लौट आता था। उसको मैंने दिया मांगोल, नोनी, अर्जुना, तुलसी। तो उसको मैंने 3 महीना दिया, उसके बाद 3 महीना के बाद जो है ना नोनी को चेंज करके लीव दिए, तो 6 महीने स्थायी रूप से उनको ठीक हो गया। पूरा दर्द ठीक हो गया अभी? यस यस सर। बहुत बढ़िया, मांगोल दिया, लिक्विड दिया, तुलसी दिया और नोनी दिया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक बार रमेश बरेठ है, ये एक बार रमेश जी। हाँ जी, अनम्यूट करिए सर। डॉक्टर के पास जाने के लिए तो नहीं हो पाया, तो घर में तुलसी रखा था सर, और तुलसी को ही वो उसमें जहाँ डंक मारे थे बिच्छू ने वहाँ लगाना चालू किए, मालिश करना, तो 2-3 बार ऐसा करते करते सर उनका दर्द ठीक हुआ और उनका पैजाना भी कम होने लगा, और सुबह तक उनको डॉक्टर भी ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ा, पूरा ठीक हो गया। हाँ, डंक वाला तो तुलसी लगाने से ठीक हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तुलसी इसलिए घर पे हर घर में होनी चाहिए कि कब बिच्छू डंक मारेगा पता नहीं ना आके, तो तुलसी रखी है तो लगा लेंगे हम लोग। और हमारे बाहर के जितने भी इलाके हैं उनमें तो, क्योंकि जीव जंतु तो घूमेंगे, उनको तो आप रोक नहीं सकते हैं। चिंतामणि मुंडा आइए एक बार। मैरिचर मॉर्निंग सर जी। मैम मेरा टेस्टिमोनियल है, मेरा चाची की एक बेटी है, बेटी उसका बेटा है छोटा छोटा, 6-5 साल का हो, 5-6 साल का होगा, तो हाँ। बा वो थोड़ा सा एबनॉर्मल था, बात नहीं कर पाता था, माने हाथ पैर बहुत नरम, माने हड्डी नहीं है ऐसे लगता है, माने पूरा शरीर उसका। तो बात ने इशारा में सिर्फ माँ बाबा यही बोलता है और कुछ नहीं बोलता था। 6 साल चल रहा है अभी। तो मेरे बहन पहले 2 महीने पहले मैंने चैम्स सिर्फ चैम्स तुलसी बोला था, तो तुलसी जोड़ा तीखा है ना, ये तीखा लगता है तो बच्चा नहीं लेना चाहता है, तो चैम्स सिर्फ 1 महीना लिया, तो अभी थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है, और ये पढ़ाई ये किताब देख के थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है, माने अभी खाना दो, पहले इशारों में बोलते थे खाना खाना है, इशारों में बोलते थे, अभी मांगता है माँ भात खाने को दो, माने खेते दाओ, खिदे पेचे, जल खाबो, सब एखन बोल, माने अभी बोलता है। तो मेरे बहन बोले मैडम उनको पानी में एक बूंद डाल के पिला सकते हैं बच्चों का ना, ऐसे पानी जो देते हैं उसमें एक बूंद डाल के। मैंने बोला था तो बोलो ले, आप चैम्स ही कंटिन्यू कराइए, उसी से ठीक हो जाएगा। चलो, और क्योंकि अभी तो 60-70% तो इम्प्रूवमेंट हो ही गया है, तो बहुत बढ़िया। सुचित्रा मैडम आइए एक बार, सुचित्रा सरकार। আমি কারা দিয়েছিলাম তুলসী আর মাঙ্গল, এই 3টা জিনিস দেওয়ার পর ওই 15 দিন হলো, উনি বলছে ম্যাডাম আমার আর সেই শ্বাসকষ্টটা হচ্ছে না, মানে এতটা ভালো আছে, অনেক ওষুধ খেয়েছি ডাক্তারে, কিন্তু এখন বলছে আমি এটা কন্টিনিউ খাবো, আর আমি খুব ভালো আছি, খুব ভালো লাগলো শুনে, মানে এমনই শ্বাসকষ্ট হতো দম পেত না এরকম অবস্থা, এখন উনি ভালো আছে স্যার। বহুত বড়িয়া, বহুত সুন্দর ম্যাডাম,
तो इसी रूप में जो है, देखिए ये तुलसी काढ़ा ये सारा ना रीजन देख के नहीं करते, नॉर्थ बंगाल में भी उतना ही असर करते हैं, राजस्थान में भी उतना ही असर करते हैं, हर जगह पूरे देश में जो है हर व्यक्ति को जो है काम में आ रहे हैं। एक बार स्वप्ना दास आइए, एक बार स्वप्ना दास। माय रिचा जावेदा मॉर्निंग सर। जी मैम। सर हमार छेले 28 बच्चर बयस, वो बाथरूम में पड़े गए, डान पैर পেছনের গোড়ালির উপর দিকে কেটে প্রচন্ড ব্লিডিং হয়েছে, একদম এতটা ডিপ হয়ে, 1 ইঞ্চি ডিপ হয়ে ভীষণ ব্লিডিং হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে তুলসী ছিল, তুলসী দিয়ে ভালো করে বেঁধে হসপিটালে নিয়ে গিয়ে 4টা স্টিচ করতে হয়েছে, 1টা ইঞ্জেকশন দিয়েছি, কিন্তু কোনো এলোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি খাওয়াই না। আমার সাপ্লিমেন্ট মাঙ্গল তুলসী দিয়ে ড্রেসিং করি 3 বার, সারাদিনে 3 বার তুলসী মাঙ্গল নিমপুরিম ক্যাপসুল আর মেন্স গোল্ড আর হচ্ছে স্পিরুলিনা গোল্ড, এটা এখন খাওয়াচ্ছি। ছেলে অনেক 8 দিন হয়নি, অনেকটাই সুস্থ হয়ে গেছে, হাঁটতে পারতো না, এখন একটু একটু আধো আধো হাঁটছে। এটাই স্যার আমার টেস্টিমনি। বহুত বড়িয়া, চোট লাগ গই তো প্রোটিন সবসে বড়া সোর্স হয়, তো প্রোটিন মে মেন্স গোল্ড হ্যায়, নিউট্রিগুন সেমস হ্যায় এজ কে অ্যাকর্ডিং মে, ফির আমারা মরিঙ্গা গোল্ড আর স্পিরুলিনা গোল্ড ভি জোনো দোনো জো হ্যায় ও প্রোটিন কা বড়া সোর্স হ্যায়, उनमें से भी कोई दे सकते हैं। और खून जहाँ बहता वहां तुलसी लगाने से खून रुक जाता है ना, इमीडिएट जो है थक्का बना देता है इसका। बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार मैडम। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, एक बार ए इमरान खान जी आइए, एक बार इमरान जी। मॉर्निंग सर जी। जी सर, और एक टेस्टिमोनियल है कि इसको कितना तारीफ किया जाए तो कम है। जी, एक हमारे साथी को बताया, वो अपने बच्ची से बहुत ज्यादा परेशान थे, 3 साल की उम्र में उस बच्ची को उनका नस का प्रॉब्लम था पैर में, जिसके कारण उस पैर से के कारण जो है पैर पूरा चल नहीं पाते थे, माने थोड़ा सा मूव जरा सा भी मूव नहीं हो पाता था। तो साथी ने बताया, तो उसने मेरे पास आया, तो मतलब बच्ची को लेकर के आए, तो उसने बच्ची को मेरे पास जब लेकर के आए तो मैंने देखा कि थोड़ा सा भी चल नहीं पा रही, उनके मम्मी पापा लोग सभी जो परेशान थे, लड़की जात है अभी 13 साल की हो गई है, तो शादी ब्याह में बहुत सारी परेशानी हो जाएगा, चलना मुश्किल। तो ये 3 साल से, आज ये महीने की 10 साल से इसके साथ ये परेशानी थी, और 8 लाख रुपया तक वो खर्चा कर डाले थे, भेलोर से भी रिटर्न हो गए। अच्छा। हाँ, भेलोर से रिटर्न आ गया कि ये मुश्किल है, नस का प्रॉब्लम है, नहीं चल पाएगी, मुश्किल है। तो मैंने उनको एक सलाह दिया, पहले तो बताया कि आप उसको एक एक्सरसाइज करना है, मैंने उनको 5 एक्सरसाइज बताए, उनकी मम्मी को बोला कि मेरा मैं जिस तरह से कर रहा हूँ आप उस तरह से कीजिएगा, तो वो मेरा वीडियो किए, वीडियो करने के बाद उस तरह से फिर कंटिन्यू किए। मैंने उनको एक मानगोल दिया, एक नोनी दिया, मोरिंगा गोल्ड कैप्सूल, और साथ में नारियल तेल, नारियल तेल को लगाने के लिए मैं दिया था, उसके बाद एक्सरसाइज करने के लिए दिए। इसको कंटिन्यू करना होगा आपको, आप तो कितने रुपया खर्चा कर डाले हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ अगर आप उसको कंटिन्यू करेंगे, ये ऊपर वाला का आशीर्वाद से रिकवरी हो जाएगा। तो उसने कंटिन्यू करते करते आज तक कर रहे हैं, मैंने 9 महीना किए, 6 महीना करते करने के बाद उनका 50% रिजल्ट कम्प्लीट हो गया, और आज के डेट में 100% कम्प्लीट हो गया 9 महीना कम्प्लीट करने के बाद। वाह वाह, बहुत शानदार। तो आज उसके अंदर में इतने घरों में इतनी खुशहाली हो गया है कि मैं कितना तारीफ करूं तो कम। 8 लाख रुपया इम्पोर्टेंट नहीं है, 8 लाख रुपया उन्होंने खर्च किया, लेकिन उसके साथ उनका कितनी मानसिक पीड़ा से पूरा परिवार गुजर, बहुत ज्यादा टेंशन में रहते थे, बच्ची की शादी होगा, बच्चे बहुत तरह तरह की बातें उनके अंदर, बहुत परेशानी थी। बोले अब इतना खर्चा किया तो करके देखिए तो कितना लगेगा, मतलब महीने का 3000 रुपया हमारा कॉस्ट बैठेगा, आप कर देखिए। तो उसने अभी तक कंटिन्यू किया, अब्सेंट नहीं कीजिएगा, मेरी बातों को माना, आज उसके वीडियो उसके अंदर इतनी खुशहाली है कि मैं क्या बताऊं, पूरे परिवार में खुशहाली आ गया। बहुत शानदार इमरान जी, आपने बहुत ही जबरदस्त जो है एक परिवार में खुशहाली लेके आए, और उसका टेस्टिमोनियल बाकी साथियों के सामने भी रखा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ठीक नहीं हो रहे हैं, लेकिन उसको अगर हमारे सप्लीमेंट और आयुर्वेद को यूज करते हैं तो उसका बेनिफिट मिलता है। अलाउद्दीन अंसारी जी आइए। नमस्कार सर, मेरा नियम है कि मैं मार्च में ज्वाइन हुआ इसमें, और मेरे पैरों में दर्द था, और मैंने जो है मांगोल लिया,
और मांगोल के साथ साथ जो है ना कि कैल्शियम टेबलेट और यानी कि मुरिंगा गोल्ड, और ये हमारे टीम के जो सर हैं यानी कि संदीप शर्मा साहब, उनके सलाह सूचन से। और एक महीने के बाद मुझे आराम हो गया, तो उसी टाइम मैंने फिर अपना काम शुरू कर दिया और मैंने काम को इतना आगे बढ़ा दिया। इस वक्त मैं सिल्वर डायरेक्टर बन गया हूँ और यानी गोल्ड में इस महीने आ भी जाऊँगा। ये ईश्वर की मेहरबानी है मेरे ऊपर और मैं काम लगातार बराबर करता चला जा रहा हूँ। और दूसरा टेस्टिमोनियम मेरा ये है कि मेरे दांत में जो है ना कि दांत मेरा हील रहा था और मैं मेडिकल यानी कि वहाँ कॉलेज में गया और वहाँ उसने बोला दांत उखाड़ना पड़ेगा। तो सर से मैंने कहा यार दांत में बहुत दर्द है, तो सर ने हमको बताया कि काम करो डेंटाबून आप ले लो और यानी कि माई तुलसी तो आप लेते ही हो और उसके एक बूंद डाल करके उसका ब्रश करना शुरू करो। तो वो ब्रश करते करते जो है ना कि मैं आज पांचवा महीना हो गया, मेरा दांत का उखड़ना भी बंद हो गया और यानी दांत अब हिलना भी बंद हो गया उसका और दर्द भी खत्म हो गया। तो अब मेरे घर में जो है ना कि सारे प्रोडक्ट जो है ना कि इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मांगोल जो बहुत ही शानदार दो दो टेस्टिमोनियल। आपके पैरों में दर्द होता था, घुटने में दर्द नहीं पैर में दर्द होता था, तो आपने जो है अपना मांगोल लिया, तुलसी लिया और मोरिंगा गोल्ड लिया, और दांत के दर्द के लिए जो है पेस्ट जो है करते हैं तुलसी डाल के। इसको अलाउद्दीन जी एक काम और कर लीजिए, अपना कोकोनट ऑयल आता है माई रिचार्ज का, उसका ना एक मुंह में लेके कुल्ला करना होता है, 10 मिनट तक रख के ना मुंह में घुमाना, जैसे अपन खाना खाने के बाद पानी से कुल्ला करते हैं ना, ऐसे मुंह में रख के ना कोकोनट ऑयल को 8-10 मिनट तक जो है उसको मुंह में घुमाना है, जैसे पानी को घुमाते हैं ना अपन, और फिर उसको बाहर डाल के फिर आप ब्रश कर लीजिए। तो दांत जिनके हिलते हैं या मसूड़े ऊपर चले गए हैं वो मसूड़े भी नीचे आ जाते हैं, दांत हिलना पूरी तरह खत्म हो जाता है, क्योंकि ये 45-50 के बाद में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, दांत हिलना शुरू हो जाते हैं। तो इसको भी आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। 71 उम्र है मेरी। जी जी, तो ये चीजें अपन कर सकते हैं। देखिए हमारे बहुत सारे साथियों के हैंड अभी भी रेज है, लेकिन टाइम हमको इजाजत नहीं देता है, और टाइम इजाजत देगा इन सारे साथियों को अगले शुक्रवार को। तो प्रथा विश्वास, राजन चौहान, अर्जुन पांडे जी, परबीर शाह जी, तपस मजुमदार, एसपी शर्मा जी, नीलाद्री पटेल, राखी चौधरी, अगली बार सबसे पहले आपका हाथ खड़ा करेंगे अगले शुक्रवार को। बहुत जबरदस्त रूप में आप सारे साथियों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, बहुत ही जबरदस्त हमारा आज का सेशन रहा है बाकी दिनों की तरह ही। कल सुबह एक और शानदार सेशन में हम लोग मुलाकात करेंगे, और इसके साथ मैं एक चीज आपको रोज बोलता हूँ वो आज भी बोलूंगा, अगर हम चाहते हैं कि आपके घर में ज्यादा खुशहाली आए, आपके मिलने जुलने वालों के घर में ज्यादा खुशहाली आए, आप जिनके घर में ज्यादा खुशहाली देना चाहते हैं, तो सो द प्लांट सो द प्रोडक्ट, फील्ड में निकलना है। मतलब जूम का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि यहाँ पर हम दूसरे साथियों से सीखते हैं, जानते हैं, बोलना सीखते हैं, मुस्कुराते हैं, मस्ती सुबह सुबह करते हैं, लेकिन इसको फिर जो है फील्ड में मुझे करना ही करना है। सो द प्लान सो द प्रोडक्ट, जो प्लान शो कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट शो कर रहे हैं, प्रोडक्ट के साथ प्लान और प्लान के साथ प्रोडक्ट, वो साथी आगे बढ़ ही रहे हैं जबरदस्त रूप में। आज का धीरज जी ने बहुत अच्छे से इसकी शुरुआत की थी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह हम लोग एक शानदार सेशन में आप सबके साथ मुलाकात करेंगे 6:25 पे। आपके जो साथी अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं उन और साथियों को हम लोग लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो आपको जो है YouTube पे भी कुछ टाइम बाद अवेलेबल होगा, तो वहां पे भी जाके आप अपनी टीम के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। जय माई रिचार्ज, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय हिंद।